हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे TDMA की फिफ्थ स्कीम जो है डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस। इसके पहले के वीडियोस में मैंने TDMA की आपको चार स्कीम्स बताई थी, फिक्स TDMA, क्लासिकल अलवा, स्लॉटेड अलवा और CSMA। ओके, सो फिफ्थ स्कीम है डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस। सो ये अलोहा की जो टेक्निक थी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके इसे बनाया गया है। तो ये मतलब रिजर्वेशन मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है और इसका जो रिजर्वेशन मैकेनिज्म के साथ में जो फिक्स TDM का पैटर्न है वो भी कंबाइंड होता है। ओके, दिस स्कीम टिपिकली हैव अ रिजर्वेशन पीरियड फॉलोड बाय अ ट्रांसमिशन पीरियड। इसमें एक रिजर्वेशन पीरियड आपका होता है जो कि ट्रांसमिशन पीरियड के साथ होता है कि वो फॉलो करता है ट्रांसमिशन पीरियड उसको। वो ड्यूरिंग द रिजर्वेशन पीरियड स्टेशन कैन रिजर्व फ्यूचर स्लॉट इन द ट्रांसमिशन पीरियड। इसमें क्या होता है कि रिजर्वेशन जो स्टेशन होते हैं वो फ्यूचर स्लॉट जो है वो रिजर्व करके रख लेते हैं। ओके, इन ट्रांसमिशन पीरियड वाइल डिपेंडिंग ऑन द स्कीम कॉलिजन में ऑकर ड्यूरिंग द रिजर्वेशन पीरियड और रिजर्वेशन पीरियड के टाइम पे कॉलिजन ऑकर हो सकता है। द ट्रांसमिशन पीरियड कैन देन बी एक्सेस विदाउट कॉलिजन। लेकिन जैसे रिजर्वेशन के टाइम में, अब जैसे कि आप स्टेशन में टिकट कटाने के लिए जाते हैं ट्रेन का, तो रिजर्वेशन के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि आपको वेट करना पड़ता है या कॉलिजन हो जाता है, एक साथ कई लोग आ जाते हैं। बट एक बार आपका रिजर्वेशन हो गया तो फिर आपको आपकी सीट रिजर्व हो जाती है और फिर आपको जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी सीट से आपको उठा नहीं सकता बिकॉज आपके पास रिजर्व सीट होती है। ओके, तो वही इसमें भी कंसेप्ट वही आता है। तो अगर आपका एक बार रिजर्वेशन स्लॉट हो गया फिक्स तो फिर ट्रांसमिशन में कोई कॉलिजन नहीं होगा। अल्टरनेटिवली द ट्रांसमिशन पीरियड कैन बी स्प्लिट इनटू पीरियड विद द विथ एंड विदाउट कॉलिजन। ओके, तो ट्रांसमिशन को स्प्लिट कर सकते हैं विथ और विदाउट कॉलिजन। तो ये एक जनरल स्कीम है जो कि कॉज अ हायर डिले अंडर अ लाइट लोड बट अलाउ हायर थ्रूपुट ड्यू टू लेस कोलिजन। और इसका जो थ्रूपुट होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोलिजन कम होता है। ओके, इस स्कीम को हम रिजर्वेशन अलोहा भी कहते हैं जो कि सैटेलाइट सिस्टम्स के लिए यूज होते हैं ज़्यादातर। ओके, सो डेमा मतलब कि डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस, डामा कहते हैं इसे हम। इसके दो मोड्स होते हैं, एक होता है कि इसमें अलोहा भी होता है और अलोहा भी कौन सा, स्लॉटेड अलोहा। हमने दो तरीके के अलोहा देखे थे, प्योर और स्लॉटेड। ओके, सो इसमें स्लॉटेड अलोहा होता है और दूसरा जो मोड होता है वो रिजर्वेशन मोड होता है। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका अलोहा यहाँ पर यूज हो रहा है, स्लॉटेड अलोहा। ओके, सो यहाँ पर जब भी किसी को रिजर्व करना होता है किसी भी सिस्टम को या स्टेशन को, तो वो यहाँ पर पहले रिजर्वेशन अलोहा में आता है और अपने यहाँ पर स्लॉट जो है वो रिजर्व करता है अलोहा में। और जब इसको ये अलॉट हो जाता है तो ये इसके रिजर्व स्लॉट के अकॉर्डिंग ही फिर वो ट्रांसमिशन करता है। ओके, सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कि पहले ये आया था तो इसको मिला, फिर ये आया था फिर इसको मिला, फिर ये आया था इसको मिला, ऐसे। ओके, सो ऐसा होता है। और फिर कई केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे ये है यहाँ पर खाली है, ये वाला स्लॉट खाली है, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा भी आ गया तुरंत, तो मतलब इसी टाइम पे, तो फिर इसमें मतलब रिजर्वेशन के टाइम में कोलिजन हो सकता है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं लोहा में जो रिजर्वेशन हो रहा है उस टाइम पे कोलिजन हो रहा है, लेकिन एक बार ये रिजर्व हो गए तो यहाँ पर आपके ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई भी कोलिजन नहीं होगा। ओके, क्लियर है। सो ड्यूरिंग कंटेंशन फेज फॉलोइंग द स्लॉटेड अलोहा स्कीम ऑल द स्टेशन कैन कैरी टू रिजर्व फ्यूचर स्लॉट। तो इस स्कीम में ऐसे ट्रांसमिशन होता है। सो अगर ट्रांसमिशन आपका सक्सेसफुल होता है, अ टाइम स्लॉट इन द फ्यूचर इज रिजर्व, मतलब आपका रिजर्वेशन मतलब एक बार रिजर्व हो गया तो फिर फ्यूचर के लिए वो स्लॉट आपका रिजर्व हो जाता है एंड नो अदर स्टेशन इज अलाउड टू ट्रांसमिट ड्यूरिंग दिस स्लॉट। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। सो इसमें क्या होता है कि द सैटेलाइट जो होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं सारे स्लॉट्स और फिर बता देते हैं कि मेरा रिजर्वेशन स्लॉट्स है,
और मैं फ्यूचर में इसी स्लॉट के अकॉर्डिंग ही सेंड करूँगा जो भी है ट्रांसमिशन। तो इसके बारे में हर एक जो ग्राउंड स्टेशन है उसको पता होता है, और उसको वो लिस्ट ऑबे करनी होती है कि वो जो भी लिस्ट देता है रिजर्वेशन की उसको वो ऑबे करता है, उसको फॉलो करता है जो भी ग्राउंड स्टेशन होता है। टू मेंटेन द फिक्स्ड ईडीएम पैटर्न ऑफ रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन द स्टेशन हैव टू बी सिंक्रोनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, डामा इज एन एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन स्कीम। ईच रिजर्वेशन स्लॉट हैज टू बी रिजर्व्ड एक्सप्लिसिटली। और ये एक एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन स्कीम है और इसमें हर एक स्लॉट को एक्सप्लिसिटली रिजर्व किया जाता है। ओके, अब जो दूसरी टेक्निक है इसमें, सिक्स जो हमारा टीडीएमए की टेक्निक है, पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रमा जिसको कहते हैं। तो ये जो है डामा का ही दूसरा वर्जन है आप कह सकते हैं। इसमें जो स्लॉट्स होते हैं वो इम्प्लिसिटली रिजर्व होते हैं, जबकि डामा में क्या होते हैं वो एक्सप्लिसिटली रिजर्व किए जाते हैं। इसमें ये इम्प्लिसिटली रिजर्व किया जाता है। ओके, सो अ सर्टेन स्लॉट नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर्म अ फ्रेम। अब इसमें क्या होता है कि जो भी स्लॉट्स होते हैं उसको एक फ्रेम का फॉर्म में रिजर्व किया जाता है, एक फ्रेम का फॉर्म कर लेता है वो। ओके, द फ्रेम इज रिपीटेड इन टाइम, दैट इज इन फिक्स्ड ईडीएम पैटर्न इज अप्लाइड। अब एक बार फ्रेम बन गया तो उसको फिक्स्ड ईडीएम पैटर्न में चलाता रहता है। ओके, अ बेस स्टेशन विच कुड बी अ सैटेलाइट, बेस स्टेशन जो कि सैटेलाइट हो सकता है या फिर कोई मोबाइल स्टेशन हो सकता है। ओके, नाउ वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है अपना स्टेटस ईच मोबाइल स्टेशन को, अपना स्टेटस बताता है कि ये मेरा रिजर्वेशन फ्रेम है। तो ऑल द स्टेशन रिसीविंग दिस वेक्टर विल देन नो विच स्लॉट इज ऑक्यूपाइड एंड विच स्लॉट इज करेंटली फ्री। तो जैसे वो वेक्टर भेजता है, वेक्टर मतलब वो रिजर्वेशन स्लॉट जो वो भेजता है या फ्रेम जो रिजर्व फ्रेम जो वो भेजता है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि कौन सा स्लॉट फ्री है या कौन सा ऑक्यूपाइड है। ओके, सो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज इंडिकेटेड बाय द स्टेशन नेम। उसके स्टेशन नेम से उसको पता चलता है कि कौन सा फ्री है या एलोकेटेड है। ऑल स्टेशन विच यू ट्रांसमिट कैन नाउ कम्पीट फॉर दिस फ्री स्लॉट इन अलोहा फैशन। और जो भी ये स्टेशन होते हैं वो फ्री स्लॉट के लिए कंप्लीट करते हैं अलोहा फैशन में। ओके, द ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्लॉट आर नॉट, और जो भी स्लॉट पहले से ऑक्यूपाइड होते हैं उनको टच नहीं किया जाता। ओके, सो ये इसका इसका डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस विथ इम्प्लिसिट रिजर्वेशन, मतलब प्रमा जिसको कहते हैं हम। ओके, इसका एक दूसरा नाम है बेसिकली। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेम्स हैं, फ्रेम वन, फ्रेम टू, फ्रेम थ्री। ओके, तो ये रिजर्वेशन किया हुआ है, जैसे कि पहले ए सेंड करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी ए, और फिर यहाँ पर ये ब्लैंक है, उसके बाद एफ है। ओके, तो ये ब्लैंक स्लॉट है, ये जो है, ये स्लॉट जो आपके ब्लैंक दिख रहे हैं ये ब्लैंक है, तो यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं डेटा। ओके, तो ये टाइम स्लॉट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जहाँ पर कि सेंटर जो है वो अपना डेटा जब चाहे वो सेंड कर सकता है। लेकिन जो ये रिजर्व स्लॉट है इसमें वो इस टाइम पीरियड में वो कभी सेंड नहीं करेगा, कि ये रिजर्व है। ओके, सो ये था प्रमा के बारे में। नेक्स्ट है जो सेवन टेक्निक है वो रिजर्वेशन टीडीएमए। ये भी रिजर्वेशन की टेक्निक है, और इसमें क्या होता है कि ये मोर फिक्स्ड पैटर्न में होती है। ओके, रिजर्वेशन टी डी एम ए, इसमें इन अ फिक्स टी डी एम ए स्कीम एन मिनी स्लॉट्स फॉलोड बाय एन इनटू के डेटा स्लॉट फॉर्म अ फ्रेम दैट इज रिपीटेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एन मिनी स्लॉट्स हैं। ओके, मतलब छोटे स्लॉट्स हैं, मिनी स्लॉट्स हैं। तो जैसे कि पहला ये जो आपका मिनी स्लॉट है ये रिजर्व हो गया, तो इसका जो रिजर्वेशन स्लॉट है इसमें और दो स्लॉट्स डिवाइडेड है, तो मतलब एक मिनी स्लॉट के लिए यहाँ पर आपको दो स्लॉट्स मिल रहे हैं जिसमें कि आप डेटा सेंड कर सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब एन इंटू के डेटा स्लॉट्स आपको इक्वली मिलता है। तो जैसे कि सिक्स एग्जाम्पल के लिए सिक्स मिनी स्लॉट्स हैं और के मतलब ये जो है ये दो है, तो 6 × 2 जो है वो आपके मतलब 12 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, आपके रिजर्व हो जाएंगे इस स्लॉट के अकॉर्डिंग। तो ई स्टेशन इज अलाउड इट्स ओन मिनी स्लॉट एंड कैन यूज इट टू रिजर्व अप टू के डेटा स्लॉट। ठीक है, तो ये छह मतलब मिनी स्लॉट जो आपके एक बार रिजर्व हो गए, तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग उतने के डेटा स्लॉट्स को यूज कर सकते हैं।
दिस गारंटीज ईच स्टेशन अ सर्टेन बैंडविड्थ एंड अ फिक्स डिले। और ये क्या गारंटी करता है कि एक सर्टेन बैंडविड्थ मिले हर एक स्टेशन को और एक फिक्स डिले मिले, कि उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, एक फिक्स डिले ही होगा आपको सेंड करने में। अदर स्टेशन कैन नाउ सेंड डेटा इन यूज्ड डेटा स्लॉट्स। ठीक है, अब जो डेटा स्लॉट यूज हो चुका है जब वो फ्री हो जाएगा तो फिर वो राउंड रॉबिन स्कीम के पैटर्न में जब जैसे वो खाली होगा वो फिर उसको दूसरा स्टेशन जो है वो उसको यूज कर सकता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिजर्वेशन ट्रेन में। तो बाकी की 3 स्कीम्स और बची हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।